हेलो दोस्तों नमस्कार और एक नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्री फायर मैक्स गेम अपने कीबोर्ड माउस मोबाइल से कैसे हम लोग गेम प्ले कर सकता हो। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा ताकि आप काफी आसानी से फ्री फायर मैक्स गेम अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से पीसी के जैसा कंप्यूटर के जैसा कैसे हम लोग अपने एंड्रॉइड फोन से कैसे हम लोग गेम प्ले कर सकता हो। दोस्तों मेरे को काफी सारा कॉमेंट आ रहा था कि यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम अपने कीबोर्ड माउस से सेटअप नहीं हो रहा है या तो माउस से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो काफी ज्यादा मेरे को कॉमेंट आ रहा था कि यहाँ पर डायरेक्टली क्या हम लोग गेम प्ले कर सकता हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि फ्री मैक्स गेम अपने डायरेक्टली अपने कीबोर्ड माउस से अपने एंड्रॉइड मोबाइल से आप डायरेक्टली नहीं खेल सकते, उसके लिए मिडिल पे एक एप्लीकेशन आपको चाहिए होता है। वैसे ही जब भी अपने पीसी या लैपटॉप में भी अगर अपने फ्री फायर मैक्स गेम प्ले करते हो वहाँ पर भी आपको एक सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है मिडिल पे। बिना सॉफ्टवेयर के बिना ऐप के आप यहाँ पर डायरेक्टली फ्री फायर मैक्स गेम अपने पीसी या अपने मोबाइल पे एंड्रॉइड फोन से आप चला नहीं सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐप आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको सेटिंग करना है ताकि आप काफी आसान से अपने फ्री फायर मैक्स गेम अपने पीसी के जैसा अपने मोबाइल पे कैसे अपने कीबोर्ड माउस से गेम प्ले कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हो, देखते हैं फ्री फायर मैक्स गेम अपने कीबोर्ड माउस और मोबाइल से कैसे हम लोग गेम प्ले कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राकेश। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर कीबोर्ड माउस और गाइस इसके साथ हम लोग को चाहिए ओटीजी केबल जिसके द्वारा हम लोग अपने मोबाइल पे जो कि सेटअप कर सकते हो और इन सभी को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके लिए भी हम लोग को चाहिए कि यूएसबी मल्टीपल जैक और गाइस उसके साथ हम लोग को मोबाइल तो है ही। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेटअप करूंगा दोस्तों। तो इन सभी सेटअप से हम लोग यहाँ पर अपने पीसी लैपटॉप के जैसे अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे फ्री फायर मैक्स गेम को खेल सकता हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करूंगा सेटअप। तो गाइस सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग ओटीजी जो केबल है ओटीजी केबल को हम लोग यहाँ पर मोबाइल के पीछे हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और गाइस इसके साथ हम लोग को यहाँ पर जो यूएसबी मल्टीपल जैक है यहाँ पर हम लोग को लगाना चाहिए। तो गाइस इसके बाद हम लोग को जो भी माउस का जो एक जैक है वो हम लोग को यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर कीबोर्ड का जो जैक है एक जो कि यहाँ पर लग जाएगा। तो गाइस फटाफट हम लोग यहाँ पर कर लेता हूँ सेटअप। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर सेटअप हो चुका है। तो गाइस अभी सबसे पहले हम लोग अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन करने से पहले एक एप्लीकेशन जो कि डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम पीसी में भी अगर अपने फ्री फायर मैक्स गेम को खेलेंगे या मोबाइल पे अगर फ्री फायर मैक्स गेम को अपने कीबोर्ड माउस से खेलेंगे तो गाइस डायरेक्टली यहाँ पर नहीं हो पाता है, उसके लिए पीसी में एक सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है, अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन का जरूरत होता है। तो गाइस वो एप्लीकेशन सिंपल आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑक्टोपस बोल के, सिंपल आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद ओपन में क्लिक कर देना है। और वैसे भी आपको मैं अगर पीसी या लैपटॉप से फ्री फायर मैक्स गेम को खेलना चाहते हो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्टोपस एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अभी दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे ओपन। तो गाइस ओपन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो कि अलाउ मांगता है, तो गाइस फटाफट हम लोग यहाँ पर अलाउ कर देते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखेंगे थोड़ा वेट करेंगे गेम जो कि आपको फ्री फायर मैक्स गेम अगर इंस्टॉल है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। अगर दोस्तों नहीं आता है तो आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक करके आपको यहाँ पर सिंपली गेम को ऐड कर लेना है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले इसी फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन करूंगा और यहाँ पर अलाउ पे हम लोग टच करेंगे, कुछ परमिशन जो कि हम लोग यहाँ पर अलाउ करना होता है। तो गाइस मैं फटाफट यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले फ्री फायर मैक्स गेम को टच करेंगे और सिकिप में हम लोग टच करेंगे। दोस्तों सिकिप में टच करने के बाद हम लोग यहाँ पर अलाउ पे टच करूंगा और यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगा, फिर से हम लोग अलाउ पे क्लिक करेंगे और एक बार हम लोग अलाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा लोडिंग प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा हम लोग को वेट करना है। पहले दोस्तों ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा था लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पे अपडेट हो जाने के बाद ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। तो गाइस अभी आपको सबसे पहले फ्री फायर मैक्स गेम को यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर सिकिप में हम लोग को टच करना है, यहाँ पर फिर से हम लोग को सिकिप में क्लिक करना है। तो फाइनली यहाँ पर जो गेम है यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो गाइस अभी हम लोग को यहाँ पर ओके में सिलेक्ट करना है और ओके में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो कि थोड़ा लोडिंग प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा हम लोग को वेट करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर गेम जो कि यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गोस्ट अकाउंट पे हम लोग क्लिक करूंगा, यहाँ पर गो पे टच करूंगा दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके अलाउ करूंगा दोस्तों। फाइनली हमारा जो अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, अभी इसमें हम लोग एक बार टच करेंगे और फाइनली यहाँ पर जो गेम है ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन आप देख सकते हो, जैसे 1, 2, 3 शिफ्ट स्पेस, ये जो कुछ ऑप्शन है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। पहले दोस्तों ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा था, बहुत दिन पहले ऐसा ऑप्शन आ रहा था, लेकिन दोस्तों अभी जैसे यहाँ पर जो ऑक्टोपस यहाँ पर अपडेट हुआ है उसके बाद से यहाँ पर कुछ जो बटन है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाता है। अभी दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पर पार कर चुका हूँ। तो कैसे अभी यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंप्यूटर कीबोर्ड में जो भी यहाँ पर जो बटन है, कौन सा बटन क्या क्या काम करता है, वो हम लोग अगर मैनुअली सेटअप करना है तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर में जो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन में आपको टच करना है। सेटिंग ऑप्शन में टच करने के बाद जैसे अपने यहाँ पर जो कंट्रोल ऑप्शन पर आएंगे उसके बाद नीचे कस्टम एच यूडी में क्लिक करते ही सारा का सारा बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ऑक्टोपस का एक लोगो आपको मिल जाता है, ऑक्टोपस का लोगो पे आपको टच करते ही यहाँ पर आपको अनकॉम में क्लिक करके यहाँ पर जो भी बटन है आप यहाँ पर चाहे तो ऐड कर सकते हो, कस्टोमाइज कर सकते हो, इधर उधर रख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी बटन आप देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको सही तरीके से आपको यहाँ पर रखना है। जैसे दोस्तों ये रहा स्पेस का बटन, इसी स्पेस का बटन थोड़ा एकदम साइड में था, इस साइड में था, थोड़ा मैं इसको एकदम उसके जो ऊपर है जाम करने का जो बटन है कीबोर्ड का, स्पेस वाला बटन को दबाएंगे जाम देगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो
जाम करने का जो बटन है पे हम लोग यहाँ पर ऊपर में रख दूंगा। तो इस तरह से जो भी जो आपको बटन आपको इधर उधर हो रहा है उसी सभी बटन को ठीक कर लेना है। तो आप चाहते यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बटन भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जो ऊपर में प्लस वाला आइकन में क्लिक करके सिंपल आपको जो भी एक्स्ट्रा बटन है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे इसी बटन को हम लोग यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो हेल्प आप मैं इसमें टच करूँगा और यहाँ पर टच करने के बाद मैं यहाँ पर कीबोर्ड का जो भी बटन प्रेस करूँगा वो बटन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर मैं खेलते खेलते यहाँ पर जो भी बटन मैंने यहाँ पर ऐड किया हो वो बटन को दबाएंगे तो वही जो वर्क करने लगेगा। तो गाइस इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा बटन है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर जो कैरेक्टर का जो स्किल है यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देता हूँ वाई को। और गाइस इस तरह से सभी बटन को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आर बटन को रीलोड करने के लिए और 1 2 3 इसको गन को चेंज करने के लिए। तो गाइस इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो भी बटन ऐड किया हो सभी बटन को यहाँ पर जैसे वैसे मैं रहने दूंगा। इसके साथ सबसे पहले हम यहाँ पर राइट में क्लिक करूंगा दोस्तों, और राइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टच कर देना है और यहाँ पर बाहर आ जाना है। और बाहर आ जाने के बाद इसको हम लोग कट कर दूंगा। और गाइस इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गेम प्ले को स्टार्ट करूंगा। तो गाइस यहाँ पर इस तरह से काफी आसानी से आप यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बटन है हम लोग यहाँ पर सेटअप कर सकता हूँ। और गाइस इसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पर गेम को स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर दूंगा जंप। और गाइस जंप करने के बाद नीचे हम लोग यहाँ पर हम लोग को अगर प्रेस करना है जो कि सामने जाना है इधर उधर लेफ्ट साइड राइट साइड जाना है, तो गाइस यहाँ पर जो AWS का जो बटन है कीबोर्ड का हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड हम लोग जा सकता हो। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो कि नीचे उतर सकता है और भी काफी सारा बटन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है, जो कि दौड़ने का बटन जो कि जो भी बटन है आप यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज मेरे को ये लगा कि यहाँ पर जो कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से गेम प्ले करने का खेलने का वो उतना खास मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कि एक बॉट है ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पर दौड़ लगा रहा हूँ लेकिन उस हिसाब से मतलब नहीं खेल पा रहा हूँ। जब भी खेलता हूँ तब भी यहाँ पर आउट हो जाता हूँ, तो ऐसा सिस्टम क्यों होता है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन बार बार यहाँ पर जो कि आउट हो जाता हूँ। और उतना जो कि जैसे PC या लैपटॉप में गेम प्ले करने का जो एक अच्छा जो कि फीलिंग होता है वो भाई तो इसमें कहाँ है यार, उसमें तो गजब है, इसमें तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे को उतना खास अच्छा नहीं लगा है। लेकिन दोस्तों सिर्फ आपको अगर आपको देखना है कि ऐसे खेला जा सकता है कि नहीं, तो गाइस उसके लिए आपको एक चेकआउट करने के लिए तो भाई ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों मैं तो आपको रिकमेंड तो इसमें खेलने का नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो देखिए इसमें क्या है ना आपको उससे तो बेटर सबसे अच्छा कोई हाथों से ऐसे करके खेल लेना, ये मेरे को सबसे अच्छा बेटर लगता है। तो इसमें से तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ही गजब है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से वो देखो तो गाइस कहाँ से मार दिया, गाइस देखो ऊपर में बंदा है या बंदा नहीं है लेकिन फिर भी वो कहाँ से मार दिया देखो भाई। तो ये है जो कि कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से गेम प्ले खेलना का। तो गाइस देखो फिर से मैंने यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ जो कि यहाँ पर दो बार तो रिवाइव देता ही है। तो यही है कुछ इस तरह से काफी आसान से अपने फ्री फायर मैक्स गेम को अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से गेम प्ले कर सकते हो।